तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी क्लास अनुभव विद रवि के मैथ्स में। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे 6.1 राजस्थान कक्षा 10। आज के वीडियो में आपके होंगे उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6। एक से लेकर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो अब है हमारा उदाहरण नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि 3 tan -4/3 sin -1/3 -1/2 cos -1/3 + 4/3 sin -90 = 1/3। यानी कि इस पूरे का मान इसके पूरे के बराबर आना चाहिए, यानी कि 1/3 है ना उस साइड, इसका भी मान 1/3 आना चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे देखते रहना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पांचवे क्वेश्चन को वैसा का वैसा उतार रहा हूं। यहां पर कितना दिया गया है, 3 tan -30 उसके बाद -4/3 sin -60 उसके बाद -1/2 और उसके बाद है cosec 45 डिग्री +4/3 और sin 90 डिग्री उसके बाद है ½। यानी कि ये इसको क्या कहते हैं हम, LHS। क्या कहते हैं, LHS। और इस साइड वाले को क्या कहेंगे हम, RHS। यानी कि 1/3 तो होगा RHS और ये जो होता है वो होता है LHS। LHS को हिंदी में कहते हैं दायां भाग और RHS को हिंदी में कहते हैं बायां भाग। यानी कि दाएं भाग बराबर बाएं भाग को हमें स्पष्ट करना है। तो दोस्तों कर लेना, देखो 3 का तो 3 और 10 30, तो सारणी में देखना है 10 30 का मान कितना होता है। ये रहा 10 और ये रहा 30। 10 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। और ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है सुकायर, तो सुकायर लगा दे। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लगा दे। उसके बाद है 4/3, तो 4/3 लगा दे। उसके बाद साइन सुकायर 60, तो ये रहा साइन और ये रहा 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ऊपर क्या लगा है, सुकायर, तो सुकायर लगा दे। उसके बाद माइनस, तो माइनस लगा दिया। 1/2 को तो 1/2 लिख दिया। उसके बाद है कोसेक, ये रहा कोसेक और कोसेक 45 तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, ये रहा 45 और कोसेक 45 कितना होता है, √2 और इसके ऊपर लगा हुआ है सुकायर, तो सुकायर लगा दिया यहाँ पर है 45, ठीक है। उसके बाद है प्लस 4/3, यहाँ पर क्या है साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना है 1 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है सुकायर और बराबर में क्या है आपका 1/3। ये तो वैसे ही सिद्ध किया हुआ है, वो पढ़े रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो 3 का तो 3 × अब यहां पर देखो √1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 और √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 स्क्वायर से हट जाएगा तो बचेगा क्या 3। उसके बाद है माइनस का माइनस लिखा, उसके बाद 4/3 है तो 4/3 लेगा, ठीक है, गुणा। अब देखो नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 हट जाएगा तो 3/4 बचा। उसके बाद है माइनस को माइनस लिखा, 1/2 है तो 1/2 लिखा। अब देखो √2 का स्क्वायर करोगे तो √2 से स्क्वायर हट जाएगा तो बचा 2। उसके बाद बचा 4/3 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 1 को 4/3 से गुणा करोगे वो का वो आएगा। अब देखो जो चीज कट रही है उसको काट दो, दिख रहा है कि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, काट दिया। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, काट दिया। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, काट दिया। अब बताओ इतने पूरे का काटने में क्या बचा, 1। यहां पर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1। उसके बाद माइनस, 2 से 2 गया तो बचा क्या 1 और लास्ट में आपका क्या है 4/3, ठीक है। और हमें स्पष्ट क्या करना है, इसको मैं यहां पर लेके आ रहा हूं 1/3, यानी कि ये पूरा मान इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 में से 1 गया तो 0 बचा और माइनस का 1 है ही और प्लस का 4/3 है ही और बराबर में हमें सिद्ध करना है 1/3। तो दोस्तों अब बताओ यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है ही। तो अब मैं क्वेश्चन को यहां से कर रहा हूं, ठीक है। तो बताओ वज्र गुणा कर लो, लघुतम लेने का मतलब यही है कि नीचे वाली संख्या को गुणा करो और तिरछा गुणा कर लो। 3 को 1 के साथ गुणा करो तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। यानी कि 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया और आगे क्या निशान लगा है, माइनस का। उसके बाद 1 को 4 से गुणा करो तो 4 होगा और बीच में किसका निशान है, प्लस है, तो प्लस का लगा दिया। अब नीचे वाली संख्या को गुणा करो, 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 और बराबर में हमारा क्या चल रहा है 1/3। अब इस क्वेश्चन को यहां से देख लेना, -3 को +4 में से घटाएंगे तो किसका ज्यादा है, प्लस का, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, बट्टे में क्या बचेगा 3 बचेगा और बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है
एक बटा तीन, और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, जो कि हमने इस क्वेश्चन में सिद्ध कर दिया है। तो फ्रेंड्स बीच बीच में लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर सिक्स को। किस उदाहरण को करना है? अबे छठे उदाहरण को। तो ये भी सिंपल है आपका, बस आपको ये जो सारणी है ना, ये रट लो। रटने का मतलब यही है कि बस रट लो, रटने के सिवा इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है। अगर इस चैप्टर को आपने रटा नहीं ना, यानी कि उठते बैठते याद कर लो। अब हम कर लेते हैं छठा उदाहरण, और छठे उदाहरण में हमें क्या दिया गया है दोस्तों? टेन तीन एक्स बराबर साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, उसके बाद है प्लस साइन 30 डिग्री हो। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, हमें इस एक्स का मान ज्ञात करना है, इस एक्स का। तो कैसे करेंगे? टेन तीन एक्स को तो क्या करते हैं दोस्तों, वैसा का वैसा रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइन 45, तो साइन ये रहा 45, ये रहा। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। अब यहां पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है गुणा। अब ये है कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है? ये रहा कोस और ये रहा 45। कोस 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लगाया। उसके बाद है साइन 30, तो ये रहा साइन और ये रहा 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो एक बात बताओ दोस्तों, ये है गुणा में और ये है प्लस में, ठीक है। अब एक को एक से गुणा करोगे तो एक आएगा। रूट दो को रूट दो से, नीचे वाली संख्या देखो, रूट दो को रूट दो से गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाता है, और इन दोनों में बचा क्या है? कॉमन दो। तो ये होता है रूट दो को रूट दो से गुणा करोगे ना, तो रूट से तो रूट हट जाएगा और जो संख्या होती है ना वो नीचे बच जाएगी। उसके बाद क्या है? प्लस, और यहां पर क्या है? 1/2। अब देखो लघुत्तम हमने लिया दो, नीचे क्या है? दो, तो सेम का सेम लिख दिया। ऊपर क्या है? 1+1, यानी कि 1+1, तो क्या होगा? 2/2, और 2/2 का मान क्या आता है? एक। तो यहां पर देखना, टेन तीन एक्स बराबर क्या आया आपका? एक। टेन तीन एक्स बराबर आया है एक, तो यहां से देखना टेन टेन का मान, टेन के ऑप्शन में देखना है आपको, टेन ये रहा, और टेन के ऑप्शन में देखना है कि एक किसका मान होता है? एक टेन 45 का। यहां से हम क्या करेंगे कि टेन तीन एक्स बराबर एक किसका मान होता है? टेन में टेन एक मान होता है, टेन 45 का। किसका मान होता है? टेन 45 का। अब दोनों साइडों में देखो, यहां पर 45 है, टेन से टेन आपका कैंसिल हो गया, बच गया क्या? तीन एक्स बराबर 45। अब हमें मान ज्ञात करना है x का, तो क्या होगा? 45/3, ये तीन इसके गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में। तो दोस्तों तीन का भाग दो 45 में, कितना आएगा? 15। x बराबर कितना आ गया? 15। और यही हमें निकालना था कि x का मान ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, रोज का काम है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो मिलेंगे हम अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहिए हमारे चैनल अनुभवी त्रवी के मैथ्स को।